हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आपका हमारे चैनल हिंदी एंड्रॉयड टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिक लाइव वॉलपेपर के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी इस तरह का यूनिक लाइव वॉलपेपर अपने मोबाइल में लगाना चाहते हो और अपने मोबाइल को पहले से और बेटर लुक देना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरह से इसकी सेटिंग करना है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने हमारा YouTube चैनल हिंदी एंड्रॉयड टिप्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी और आपको एंड्रॉयड से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए पर्टिकल गार्डन। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको ये लाइव वॉलपेपर मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर लिया है। और दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के टच पर टच करके रखना है आपकी उंगली को। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे वॉलपेपर के, आप इस पर क्लिक कीजिए। जिससे आप वॉलपेपर एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी इनबिल्ड वॉलपेपर है वो यहाँ पर सब शो हो जाएंगे। तो आप इन्हें सबको बैक कर दीजिए, साइड में कर दीजिए। साइड में करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ब्राउज़र का, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, इसमें ऑप्शन जो है लाइव वॉलपेपर आपको उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूँ, अगर आपका मोबाइल में हो सकता है ये लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन शुरू में आ जाए या थोड़ा और बाद में आए, तो आप इसे ढूंढ सकते हैं अपने मोबाइल में कि लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं लाइव वॉलपेपर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको पर्टिकल गार्डन हमने जो अभी डाउनलोड किया है लाइव वॉलपेपर वो मिल गया यहाँ पर, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे सेट का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं अपनी होम स्क्रीन पर, अपनी लॉक स्क्रीन पर। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त इसका बैकग्राउंड ब्लैक है और ये डॉट का कलर जो है वो व्हाइट है। तो आप इसके बैकग्राउंड को और इसके डॉट को चेंज कर सकते हो कलर को बहुत ही आसानी से। दोस्तों, वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आपको थ्री डॉट नज़र आ रहे होगी, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर नीचे आप आखिरी के जो दो ऑप्शन है आपको यहाँ पर इसको यूज़ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फेयर ग्राउंड कलर है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका डॉट का कलर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं डॉट के कलर को ब्लैक कर देता हूँ। आप यहाँ ब्लैक पर लेके आ जाइए और उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेट हो गया। उसके बाद आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, हम इसे व्हाइट कर देते हैं। व्हाइट पर यहाँ पर हम लेके आ गए और इस बॉक्स पर हम क्लिक कर देते हैं, हमारा ये सेट हो गया। अब यहाँ पर हम इस यहाँ से फिर हमें बैक आ जाना है। जैसे आप बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड व्हाइट हो गया और डॉट का कलर ब्लैक हो गया। तो दोस्तों, सिंपल आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं डॉट का भी और बैकग्राउंड का भी। और यहां से आपको फिर सेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फिर से दो ऑप्शन मिल जाएंगे, होम स्क्रीन और ये लॉक स्क्रीन। नीचे नीचे आप क्लिक करेंगे तो आपका लॉक स्क्रीन पर भी सेट हो जाएगा और होम स्क्रीन पर भी। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ होम स्क्रीन पर रहे तो आप ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो मैं दोनों पे कर देता हूँ नीचे टच करके और हमें यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा सेट हो गया लाइव वॉलपेपर और कितना बेटर लुक लग रहा है मेरे मोबाइल का पहले से। तो इस तरह से आप भी अपने मोबाइल में इस लाइव वॉलपेपर को लगा सकते हैं और अपने मोबाइल को पहले से बेटर लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदी एंड्रॉयड टिप्स देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।